सर जब पढ़ता हूँ तब सेक्शन याद होते हैं और जब आगे एक सेक्शन पढ़ता हूँ तो नहीं। तो आज मैं ये फिलोसफी समझा रहा हूँ आपको, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्या देखिए, मैं दो तीन एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। ये एक बकेट है, इसमें यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ पानी आ रहा है और ये पानी गिर रहा है इसमें, समझे। यहाँ पर केवल एक ही टैप से पानी आ रहा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, इसमें लीकेज है, ये पानी नीचे गिर जाता है सब। तो ये बाल्टी नंबर वन है, ये बाल्टी नंबर टू है, इसमें कोई लीकेज नहीं है, प्रॉपर है यहाँ से। तो मुझे बताओ कौन सी बाल्टी जल्दी भरेगी, कौन सी बाल्टी जल्दी भरेगी, नंबर वन या नंबर टू? ऑब्वियसली नंबर टू। तो जो बच्चे रिविजन नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट्स रिविजन नहीं करते हैं, उनको हजार बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो भूल जाते हैं बार बार। तो आप लोगों को पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए, दो कदम चार कदम आगे बढ़ाए, दो कदम पीछे लीजिए आप लोग रिवीजन के लिए, फिर आगे बढ़िए, फिर पीछे, इस तरीके से करिए। आप पढ़ते हैं ऐसा, आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे का भूलता रहेगा। आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक ऋषभ बिश्नोई है, ये बहुत अच्छा कमाते हैं, ऐसा समझिए कि लगभग 50,000 रुपीज पर डे कमा लेते हैं, 50,000 महीना कमा लेते हैं ये। लेकिन जिस रास्ते से निकलते हैं उस रास्ते में पड़ता है कैसिनो, क्या कैसिनो, और वहां पर ये उस पैसे को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में सारा का सारा पैसा जुए में या और चीजों में वहां पर हार आते हैं, ये रोक ये उसको सेव नहीं करते हैं। तो एक इंसान ने 50K पर डे कमाया लेकिन जीरो सेविंग रही, एक इंसान ने 1,000 रुपये पर डे कमाए बस, लेकिन उसकी हैबिट है कि उसको कम से कम 50%, 500 रुपीज, 500 रुपीज वो सेव करेगा ही करेगा। तो मुझे बताओ इमरजेंसी में किसके पास फंड होगा, जिसकी इनकम कम थी, है ना, इनकम जिसकी कम थी उसके पास फिर भी होगा, जिसकी इनकम ज्यादा थी वो फिर भी जीरो रह गया। उसी तरीके से 50,000 वाला कौन है, ये बच्चा वो है जो 15 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन इसका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत कमजोर होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अगर ये रिवीजन नहीं कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है उसको जो पढ़ा उसने। लेकिन जो बच्चा 5 घंटे, 6 घंटे, 7-8 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन 2 घंटे डेली कम से कम वो रिवीजन करता है, जो उसने कल सेक्शन याद करे थे उनको आज जरूर याद करेगा, तो ऐसे बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, तुम्हारी प्रॉब्लम है रिवीजन पर। और मैंने कहा था कि सब लोगों को 2 आवर्स का, 2 आवर्स डेली ओनली रिवीजन करना है, ओनली ओनली केवल और केवल रिवीजन, नया कोर्स नहीं करना है, याद नहीं करना है, जो याद कर रखा है उसको रिवाइज करना है, और फिर आप देखो कितना बढ़िया होगा आपका।